हेलो, चेक चेक, आवाज़ आ रही ठीक से? हाँ, कैमरा कौन सा है? ये वाला? ये वाला, ये? अच्छा ठीक है। तो कैसे हैं दोस्तों? मेरा नाम जाकिर खान है और आप आज मुझे मेंस एक्सपी पे देख रहे हैं, क्योंकि मैं हूँ और मेंस एक्सपी है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेंस डे, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर है ये दिन, तो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद मर्दों को और सारे जनसाधारण को भी। आपके आसपास कोई मर्द है तो उन्हें थैंक यू बोलिएगा, उन्हें विश कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा उनको भी कि एक आधी जगह तो उन्हें भी विश किया जाए, मैं तो कहना चाहता हूँ। पर दो तीन चीज़ें जिसके बारे में मैं काफ़ी वक्त से आप लोगों से बात करना चाहता था, वो मैं आज आपके सामने रखूँगा। एक बार मैं अपने इंदौर में अपने घर की खिड़की पर खड़ा था और मैंने नीचे दो वर्कर्स थे, वो काम कर रहे थे और बोले कि यार काम तो करना पड़ता है ना भाई। उन्होंने कहा था कि यार आदमी ना होटल में रहता है यार, अपने घर पे भी रहता ना तो होटल में देता है, उसको ना कमा के तो लाना ही पड़ता है। और वो एक लाइन मेरे दिमाग में बहुत दिन तक रही। दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि हम अगर अपनी जहनी सेहत का अगर ख्याल रखें, अपनी खुशी का अगर ख्याल रखें, तो कोई बुराई नहीं है, कोई गुरेज नहीं है उसके अंदर। ये बड़ा कहा जाता है कि मर्द बड़ी जिम्मेदारी उठाता है और सारे घर का खर्चा उठाता है और फलाना ढिमका ये सब वो सब। और जैसे जैसे मेरी उम्र हो रही है, मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ कि हर बढ़ते दिन के साथ ना हम अपनी फिक्र से ज़्यादा आसपास के लोगों की बहुत फिक्र करने लग जाते हैं। हर उस इंसान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं सिवाय अपने आप की। बाजार में जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ तो हम वो अपनी बीवियों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए दुनिया की सारी नेमतें खरीदना चाहते हैं, पर अपने ऊपर 5 रुपए खर्च करते हुए बिना उनके हाथ कांपते हैं। और जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूं तो मुझे मेरे पापा याद आते हैं कि किसी भी त्योहार पे आखिर में सबसे सस्ती शर्ट उनकी होती थी, हमको बड़े चमकीले कपड़े मिलते थे। ये कहां से आता है? ये किसने सिखाया हमको? और ये क्यों है यार? इतनी मेहनत करके, दिन रात अपना लहू जला के जो पैसा हम कमाते हैं, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा भी हम अपने पे खर्च नहीं कर सकते क्या? ये सोच के मैंने पहली बार जब कपड़ा खरीदा ना तो अलग लगा। तो मुझे आपको भी बताना था कि आपको भी करना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा यार। कलर नहीं पता है, सब बोलते रहते हैं आदमियों को कलर नहीं पता, आदमियों को ऑरेंज रेड और पिंक में डिफरेंस नहीं पता। अरे नहीं पता यार, जब ये सब जानना था ना उस टाइम पे हम हिसाब लगा रहे थे अपने खानदानी कर्जे का और आने वाली जिम्मेदारियों का, नहीं पता कर पाए, पर अब पता कर सकते हैं। रंग नहीं पता है पर तितली देखना तो आती है ना, थोड़ा नर्म होना है, थोड़ा नाजुक होना है हमको। मेरे ख्याल से वही हमको जिंदगी में ना आगे लेके जाएगा, बेहतर बनाएगा। तो इस मेंस डे पे मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस साल आने वाले त्योहार पे एक बार जब कपड़े खरीदें, मिठाइयां खरीदें, तो कोशिश कीजिए कि एक बार के लिए सबसे पहले आप अपने लिए सबसे पसंदीदा कपड़े खरीदें अपनी खुशी के लिए। महीने में एक दिन अपने आप को दें, वो चीज करें जिसमें आप खुश रहें, और हफ्ते में 2 घंटे खुद के साथ बिताएं। उससे ना थोड़ा जहनी सुकून आएगा, क्योंकि क्या है कि सबको संभालने वालों को संभालने वाले कम होते हैं। क्योंकि हम किसी को कहते नहीं ना यार कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे जहन में क्या चल रहा है, किस तरह के मेंटल स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं। अपनों को तो हम कहाँ बताते हैं? अपनों को तो हम तब बताएंगे ना जब हमें ठीक से समझ आए। तो सबसे पहले खुद को समझना शुरू करते हैं, खुद को प्यार करना शुरू करते हैं, और मेरे ख्याल से वही शुरुआत होगी जब हम असली में जिम्मेदारी से मेंस डे मना पाएंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को मेंस डे की बहुत मुबारकबाद। इतना कुछ मनता है ये भी मनना ही चाहिए।